जो हम लोग का लोकतांत्रिक अधिकार था उसको हम लोगों से छीन लिया गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये शायद तेजस्वी जी की मदद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। क्योंकि जो पहले से बहाल है टीचर वो पढ़ाते नहीं हैं, तो ये अपनी वो छुपा रहे हैं, अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहाल उन्हें नहीं किया था। अभी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया? आश्वासन नहीं मिला है हम लोग को। धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है ना? यस सर, चौथा दिन है। नतीजा ये है कि आप अब हम लोगों का सब्र और धैर्य टूट रहा है, अब कितना सब्र किया जाए आप ही बोलिए। हमें नियुक्ति पत्र दी जाए और हमें ओपन कैंप के माध्यम से हमारी बहाली। खेत बेच करके, जमीन बेच करके, घर बेच करके हम लोगों ने बीएड डीएलएड किया है और 17 में हम लोगों ने पास किया है। चुनाव से पूर्व कर देंगे, ऐसे करते करते चुनाव को ख़त्म कर दी और चुनाव के बाद अब ऐसा कोई डेट भी नहीं निकाल रही है कि हाँ कब होगा नहीं होगा। अब अंधेरे में लग रहा है कि हम लोग को अब बहाली ये कैंसिल कर दिया जाएगा, तब हम लोग ये धरना प्रदर्शन पर बैठे। क्यों इतना हम लोग ये स्टडी किए हैं, इतना जो भी उनका जो मांग था वो मैं क्वालिफाई की हूँ, उसके बावजूद भी हम लोगों का नियुक्ति नहीं हो रहा है। कब होगा, कब होगा, कब होगा? सरकार हम लोग को मजाक बनाकर ऐसे रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अभय विशाल और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गर्दनीबाग इलाके में। इस इलाके में शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आज धरना प्रदर्शन का इनका चौथा दिन है। आपको याद होगा कि दूसरे दिन ही यहाँ से प्रशासन द्वारा इन पर लाठीचार्ज हुई थी, जिसके बाद ये पटना के इको पार्क गए और पटना के इको पार्क में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इनसे मुलाकात की और जो पटना के जिलाधिकारी हैं उनसे बात करके इनके लिए धरना के लिए अनुमति मांगी और अनुमति इन्हें मिली है आज धरना प्रदर्शन की। और इनकी क्या मांगे हैं, आखिर क्यों ये धरना पर बैठे हैं, जिन अभ्यर्थियों को आज शिक्षक के रूप में विद्यालय में होना चाहिए था वो सड़कों पर मौजूद हैं और सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है, हम इन्हीं की कहानी और इनके जुबानी ही जानेंगे। आइए आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है, क्यों धरना पर बैठे हैं सर आप? हम लोग बिहार शिक्षक नियोजन अभ्यर्थी है, 3 साल से लंबित जो प्रक्रिया है शिक्षा बहाली का वो अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है। हजारों नियोजन इकाई में हम लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, मेघा सूची प्रकाशन हो गई, फाइनल मेघा सूची हो गई, लेकिन काउंसलिंग का डेट अभी जारी नहीं हुई है और कोर्ट ने एक क्लियर कह दिया है कि सरकार जल्द से जल्द बहाली करे ये 94,000 शिक्षकों की, लेकिन सरकार जो है वो चुनाव से पहले हम लोग को बहुत सारे लेटर निकाल के झांसा देकर छलावा देकर ये चुनाव तक हम आपकी बहाली चुनाव से पूर्व कर देंगे, ऐसे करते करते चुनाव को ख़त्म कर दी और चुनाव के बाद अब ऐसा कोई डेट भी नहीं निकाल रही है कि हाँ कब होगा नहीं होगा। अब अंधेरे में लग रहा है कि हम लोग को अब बहाली ये कैंसिल कर दिया जाएगा, तब हम लोग ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। देखिए 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है और हालांकि सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया था कि इनकी जल्द से जल्द 94,000 शिक्षकों की बहाली होगी और हालांकि अभी तक इनकी बहाली प्रक्रिया नहीं हुई है, पूरी नहीं हो सकी और यही कारण है कि ये सभी धरना पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें, हम चाहेंगे अपने कैमरामैन साहब जरा दिखाइए ये तस्वीरें। ये धरना स्थल है और इनको अनुमति आज भर की अनुमति मिली है आप लोग की धरना के लिए? सर हम लोग को आज 4 बजे तक की अनुमति ऐसे मिला है जी। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तो सर हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं, अगर सरकार अगर नहीं ऐसे कुछ करता है तो हम लोग को लगता है सब क्या कर जाएंगे, घर जाने के बाद ऐसे कुछ अलग हम लोग को ऑप्शन चुनना पड़ेगा। इसके सिवा समाज भी हम लोग के जीने के लिए ऐसे नहीं छोड़ रहा, बोल रहा है 2 साल से तुम लोग को हो रहा है, 2 साल से हो रहा है, कब होगा, कब होगा, कब होगा? सरकार हम लोग को मजाक बनाकर ऐसे रख दिया है। कहाँ से आए हैं सर आप? हम सर गया शहर से आए हैं जी। और अगर बहाली पूर्ण अगर नहीं अगर होती है तो फिर हमको ऐसे मरने के सिवा और कोई ऑप्शन ऐसे नहीं है जी। हमारे रोजगार से नहीं जुड़ी हुई है ये, बच्चों की भी, पूरे बिहार के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि हमारे शिक्षक जो शिक्षा मित्र हैं 1500 पर बहाल किए थे वो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग तो टेट क्वालिफाई हैं, सीटेट बीटेट क्वालिफाई हैं, हम लोग को लीजिएगा तभी तो हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे तो बच्चों का भविष्य संवरेगा। आप हम लोग को ज्वाइन करवाइए, आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोग को ज्वाइन करवाइए, हम लोग को नियुक्ति पत्र दीजिए, हम लोग बिहार के भविष्य का ऐसा उज्जवल भविष्य, बच्चों का भविष्य बनाएंगे उज्जवल कि आप देखिएगा तो हाँ याद कीजिएगा कि हाँ 2021 में ऐसा शिक्षक नियोजन हम लोग किए थे, ऐसे अभ्यर्थी को लिए थे जो कि सचमुच में
बिहार के बच्चों का भविष्य और उनका शिक्षा का स्तर बदल दिए, यही आपसे हम कहना चाहते हैं। अच्छा, कि सरकार की तरफ से अभी कुछ सामने नहीं आई है बात, आप लोग बात किए सरकार से? ये तो सरकार इस पर ध्यान दे। आप लोग, हम लोग आज से नहीं आंदोलन कर रहे हैं, ये तो बहाली निकालने के लिए सब चीज़ करने के लिए अब सब चीज़ हो गया है, अब किस चीज़ में देर है? अब तो सारा चीज़ हो गया है, इसलिए अब हमारा सिर्फ मांग है कि कैंप मूड से गवर्नमेंट बहाली करे और ओपन कैंप मूड हो और जल्द से जल्द हो। कहाँ से आए हैं सर आप? हम सीतामढ़ी से आए हैं, जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि से आए हैं। अच्छा, तो हम और भी बहुत सारे साथी यहाँ आए हैं और पूरे बिहार से लोग हैं और सब के सब वेल ट्रेंड टीचर हैं। ये चाहते हैं भारत को सजाना, अपने बिहार को सजाना, लेकिन नतीजा ये है कि अब हम लोगों का सब्र और धैर्य टूट रहा है। अब कितना सब्र किया जाए, आप ही बोलिए, क्योंकि रोजगार का समस्या बहुत बड़ा समस्या है और अगर पढ़ा लिखा लोग अगर रोजगार में नहीं जाएगा तो ये निश्चित है, ये क्लियर है कि आने वाले लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा फिर हम एक बेहतर भारत का निर्माण कैसे कर पाएंगे जब हमारे यहाँ शिक्षा ही नहीं होगा। तो देखिए, ये धरना स्थल पर बैठे जो शिक्षक हैं इनका यही कहना है कि शुरुआत तो हो, जब हालांकि NDA गठबंधन की जो सरकार है इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, तो इनका ये कहना है कि शुरुआत तो हो, कहीं ना कहीं से शुरुआत हो, 94,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, लेकिन अभी तक सरकार जो है, हालांकि आप लोग का आंदोलन आज 4 बजे तक ही है, इसके बाद क्या करना आगे? इसके बाद देखते हैं प्रक्रिया क्या हो रही है। और सरकार की तरफ से कोई अधिकारी बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं? हमारे लीडर गए हैं, देखिए अब आगे क्या नोटिफिकेशन निकलता है। जी, हम लोग की मांग है कि हम लोग का तीन, मतलब कि हम लोग 2019 से बहाली खुली, 10 जून 2019 से, उस समय से हम लोग फॉर्म डाले, इधर 3 महीना तक हम लोग घूम घूम के हर मुखिया पंचायत हर ब्लॉक में जाके फॉर्म डाला और ये सरकार की ये बहाली खुली हुई थी। अब सरकार पीछे हट रही है, कह रही है कि हम नियुक्ति पत्र नहीं देंगे क्योंकि जो पहले से बहाल है टीचर वो पढ़ाते नहीं हैं, तो ये अपनी वो छुपा रहे हैं, अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहाल उन्होंने ही किया था और फिर से हम लोग की क्या गलती थी जो हम लोग को वो लाया गया, नोटिफिकेशन दिया गया, हम लोग फॉर्म डाले तो हम लोग को बहाल करे, जल्द से जल्द कैंप ओपन कैंप के थ्रू हम लोग को काउंसलिंग का डेट दे और बहाल करे। चलिए, आपकी यही मांग है ना? जी, तो जी बताइए। हाँ जी, कहाँ से आए हैं सर आप? जी, मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट से समेली प्रखंड से आया हुआ हूँ। अच्छा, तो आप भी अभ्यर्थी हैं? जी, मैं भी अभ्यर्थी हूँ सर। जी, मैं भी। क्या सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन नहीं दिया गया आप लोगों को? जी, अभी तक तो नहीं आया है। हम लोगों की मांग है सर की जल्द से जल्द जो है हम लोगों को ओपन कैंप के माध्यम से जल्द काउंसलिंग की डेट दिया जाए और हम लोगों का अभी कोर्ट का सारा मामला जो है सब चीज़ जो है फैसला आ गया है और हम लोगों के फेवर में है और कोर्ट भी बोली है कि जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो अभी तक जो है हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है जबकि मेगा सूची वगैरह सारा चीज़ जो है फाइनल जो है हो चुका है। तो धरना के लिए आज शाम 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, इसके बाद क्या करना आगे? तो हम लोग जो है संघ से जो निर्णय होगा संघ का वो हम लोग मान के आगे फिर काम करेंगे उसके लिए। और मेरा मांग है बिहार सरकार से कि जिस तरीके से हम लोगों ने डिग्री को प्राप्त किया, हासिल किया, बड़ी मेहनत से खेत बेच करके, ज़मीन बेच करके, घर बेच करके हम लोगों ने BEd DLED किया है और 17 में हम लोगों ने पास किया है और हमारे बहुत से साथी हैं जो CTET भी पास हैं। हम मांग करते हैं बिहार सरकार से जितना जल्द हो सके हम लोगों के लिए शेड्यूल जारी करें, वरना हम लोग इस कड़ाके की सर्दी में हम लोग अपनी जान देने को भी तैयार हैं। इसलिए या तो फिर सरकार नौकरी दे, वरना जितना BEd DLED कॉलेज है सबको बंद करे। BEd और DLED कॉलेज को खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब सर्विस नहीं दे सकते हैं तो फिर आप डिग्री क्यों देते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं, या तो फिर DLED कॉलेज जितना है BEd कॉलेज को बंद किया जाए, वरना फिर नौकरी दिया जाए। इस धरना प्रदर्शन में महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं और हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों ये धरना में शामिल हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? रजिया। आप धरना में शामिल हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमें ओपन कैंप के माध्यम से हमारी बहाली की जाए और हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए, बस
इसी के लिए हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं। हम लोग पे लाठी भी चार्ज हुआ था, हम लोग से हमारा आशियाना छीन लिया गया। आशियाना मतलब जो टेंट हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके टेंट यहाँ लगवाया था, जो हम लोग का लोकतांत्रिक अधिकार था उसको हम लोगों से छीन लिया गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये शायद तेजस्वी जी की मदद से हम लोग यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो हम लोग एक भी बंदा यहाँ पे अगर दिख रहा था तो उसको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। तो सरकार के तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया अभी आपको? जी नहीं, हम लोग को अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। कहाँ से आई है मैम आप? मैं हम औरंगाबाद से आए हैं सर जी, औरंगाबाद से। अभी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया? आश्वासन नहीं मिला है हम लोग को। धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है ना? यस सर, चौथा दिन है आज, और सरकार की तरफ से हम लोग का कोई आश्वासन नहीं आ रहा है। तो सरकार से आपकी क्या मांग है मैम? बस हमारी यही मांग है कि हमें नियुक्ति पत्र दी जाए और हमें ओपन कैंप के माध्यम से हमारी बहाली हो। और तो क्या, बस यही चारनी से बैठे हुए हैं। सरकार से आपने अपनी बात कही है? हाँ कहे हैं, बहुत बार कोई अधिकारी आपसे मिलने नहीं आए? नहीं आए, कोई भी नहीं आए हैं। विपक्ष के नेता कल आए थे, तेजस्वी यादव जी। कल हम लोग तो ऐसे इस हालात में थे कि कहीं पे 10 व्यक्ति खड़े भी नहीं हो सकते हैं। हम लोग कहीं वो 5 उधर है 5 इधर है, कमिटी हॉल में थे ऐसे ही। परसों रात की तो बहुत खराब कहानी है, हम लोग चूड़ा और वही मिक्सचर खा करके सोए हैं सारी रात। फिर कल से ऐसे ही यही खुली आसमां के नीचे सोए। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ये, और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वो बात बता रही है मैडम। क्या क्या परेशानियां हुई मैम आपको? कल की कंडीशन क्या बताएं, हम लोग दिन भर कुछ भी नहीं खाए, क्योंकि परसों जो खाना हम लोग को बनने के लिए रखा हुआ था वो पुलिस लोग फेंक दिया था। दूध चाय के लिए रखा तो वो भी ऐसे ही कहाँ खाते। और फिर उसके बाद फिर शाम में हम लोग उधर से आए थे खुली आसमां के नीचे सोए, जिसके पास जो था बिस्किट मिक्सचर ऐसे ही खा के हम लोग गुजारा बसर रात भर किए। और सुबह से देखिए यही है, अभी भी कोई पदाधिकारी नहीं मिलने आए और सरकार की रवैया देखा ही जा। अभी तक सरकार की तरफ से इन्हें ना कोई आश्वासन मिला है, ना ही कोई सरकार का अधिकारी इनसे मिलने आया है। हालांकि इनका धरना प्रदर्शन अभी जारी है। और भी कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आई है मैम? वैशाली से आई है। तो आपकी भी वही मांग है? वही मांग है, ओपन कैंप के द्वारा। क्या लगता है क्यों देरी हो रही दोस्तों? क्यों, इतना हम लोग ये स्टडी किए हैं, इतना जो भी उनका जो मांग था वो मैं क्वालिफाई की हूँ, उसके बावजूद भी हम लोगों का नियुक्ति नहीं हो रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना है, सारे कैरेक्टेरिया पूरा करने के बावजूद एग्ज़ाम लिया गया, एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए, फिर उसके बाद हर जगह जाम के फॉर्म फिलअप किए, सारे प्रक्रिया करने के बावजूद भी ऐसे किया जा रहा है। कुछ बोलने क्या बोले, मुझसे तो कुछ निकलता ही नहीं बस। तो देखिए इनकी जो समस्या है ये यही है, और इनकी मांग यही है कि इन्हें नियुक्ति पत्र मिले और इनकी बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो। धरना स्थल पर सभी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरें, और हमारा यही प्रयास है कि इनकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार इनकी कुछ मदद कर पाए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अभय विशाल, बिहारी न्यूज।